आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं लंजेज फॉर बिगिनर्स, यानी कि आप अगर अभी तक लंजेज का नाम भी नहीं सुने हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। इस स्टैटिक लंजेज को हम बॉडी वेट एक्सरसाइज कहते हैं, जहां की किसी भी तरह की इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी ट्रेनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने वीकली एक्सरसाइज रिजाइम में इसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैटिक लंज होता क्या है। इसको स्टार्ट करने के लिए, लंज के प्रॉपर फॉर्म को समझने के लिए, हम स्टैटिक लंज करते हैं, जहां की हमारे दोनों पैर अस्थिर रहते हैं जब तक कि हम अपने लेग को स्विच नहीं करते और दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हैं कम से कम 2 से 3 फीट पर, और घुटनों से 90 डिग्री पर बेंड करते हैं और थाई को और लोअर लेग को पैरेलल टू द ग्राउंड रखते हैं। तो यह है हमारा इसके स्टेप्स प्रोसीजर। जब हम यह करते होते हैं तो अपने ब्रीदिंग से भी इसे सिंक्रोनाइज करते हैं। जब हम नीचे जाते होते हैं तो इनहेल करते हैं और जब ऊपर की ओर आते हैं तो एक्सहेल करते हैं। इस तरह से ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करने से हमें प्रॉपर आता है। हम 16 रेप्स कर सकते हैं और मिनिमम 3 सेट पर सेशन कर सकते हैं। इसके दौरान अपने घुटनों को टो के अंदर ही हमें रखने होते हैं। हमें बिल्कुल सीधा देखना है अपने हाइट पर और अपने कंधे को भी सीधा रखना है, खींचा हुआ रखना है। स्पाइन को, हिप को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही रखते हुए करना है। यह हमारे कोर को, ग्लूट को, मसल को इंगेज रख के ही करना है। लंजेज करने से हमारे क्वाड्स मसल में खिंचाव आता है, जो कि नी ज्वाइंट को कंट्रोल करता है। हैमस्ट्रिंग में आते हैं, जो कि काप्स को खींचते हैं, उसमें एक्सटेंशन आता है। ग्लूट्स पर हम काम करते हैं, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है। हिप और बट को, कोर मसल जो कि लोअर बैक मसल है, जो कि एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, इन सभी पर हम काम करते होते हैं। अगर इसके फुल बेनिफिट की बात की जाए तो इससे हमारे कोर स्ट्रेंथ, किसी भी काम को करने के लिए कोर स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, उसमें वृद्धि आता है। हमारे लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, हमारे टिश्यू, लेग, बटक में मजबूती आती है। इसके साथ साथ ही यह फैट बर्नर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारे इंड्योरेंस को, सहन शक्ति को बढ़ाता है और अंततः हमारे शरीर को शक्ति मिलता है, संतुलन मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है। इन सभी चीजों को हमारी प्राप्ति होती है अगर हम नियमित रूप से लंजेज करें। कंपाउंड एक्टिविटीज अगर करें तो यह स्ट्रेंथन भी करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को करता है। इसमें हमारे मल्टीपल मसल इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान हम अपने फिट पर, नी पर, हिप पर, कोर मसल पर, बैक मसल पर टारगेट करते हैं। अगर सेफ्टी टिप्स की बात की जाए तो हमें अपने लिमिट को जरूर सम्मान करना चाहिए और उसके अनुसार ही लंजेज के वेरिएशन का चुनाव करना चाहिए। स्टैटिक बिल्कुल ही सिंपल है, इसे किया जा सकता। अगर अंत में कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो उनके लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी किसी न किसी इंजुरी से, जैसे नी इंजुरी, एंकल इंजुरी से सफर हो रहे हो, तो उन्हें यह नहीं करना है। तो इसका आप नियमित अभ्यास कीजिए और फिर देखिए कैसे यह आपको फुर्तीला बना देता है। निरोग तो बनाएगा ही, इसके साथ साथ आपको ताकतवर भी बनाएगा और एक संतुलित शक्ति देगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।